हेलो दोस्तों, तो देखिए इस ऐसे वीडियो में देखना, आवारा पशु ने इस बच्ची को मार गिराया है। ये रास्ते में स्कूल से आ रही थी माँ के साथ। ऐसा जैसा फोटो का देखने में लग रहा है, ये आवारा पशु घूमते रहते हैं, जैसे गाय बिछार आदि होते हैं, वही किसी को भी मार गिराते हैं रास्तों में। इन पर कंट्रोल पाना ज़रूरी है। मैंने ये वीडियो डाउनलोड की क्योंकि मुझ पर रहा नहीं गया और बच्ची पर मुझे काफ़ी तरस आ गई। मैं होता तो लट्ठ से गायों को रपटा देता, ये मान के चलिए। मैं डरता नहीं हूँ ऐसे बिझारों से। देखिए, आदमी अपने घरों में से देख रहे हैं, किसी की हिम्मत ये नहीं है कि उसे जाकर बचा ले। कितना भी कट्टर बिझार है, लट्ठ के सामने भाग जाता डराने की कोशिश। देखिए, इस समय ही देखा जाता है कौन किसका हमला हो जाए। आप बच्ची को देखिए, रगड़े लेकर रहे हैं, किसी की हिम्मत ये नहीं हो रही है। बच्ची की माँ देखिए, इसके पत्थर मार रही है, बचा रही है पीछे से। देखिए, कुछ आदमी आए, इन्होंने जो है हिम्मत करके भजाया, फिर धीरे धीरे फिर वापस आ गए। वो आदमी को भी मार गिराया क्योंकि इन पर डंडे नहीं हैं। डंडा मौके पर रखना चाहिए, डंडा होता तो ये भाग जाते। देखिए, अब आदमी आए हैं जबरदस्ती, अब भगाया है इन्होंने, हिम्मत करके कुछ लोग आए हैं। देखिए, बच्ची का बुरा हाल कर दिया है। और इस वीडियो को अंत तक देखें और इस प्रकार के बिझार देखिए, इनके खिलाफ़ मैं भी हूँ, चाहे हमारी हो या गाय या बैल किसी का हो, इन पर आवारा हैं तो कंट्रोल पाना ज़रूरी है। इस तरह देखिए, सड़कों पर आते जाते काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे स्लो स्पीड में मैं दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरीके से ये गाय जो पशु को, गाय जो है बच्ची को मार रही, गाय है या बिझार है ये पूरा क्लियर नहीं हो रहा। इसमें ये आवारा पशु घूमते रहते हैं। देखिए किस तरीके से स्लो मोशन में ये बच्चे को उठाया और इस तरह वो ज़मीन पर पटक देती है। पटकने के बाद देखिए, इतने उग्र है ये पशु, जैसे लगातार उसे रगड़ते चले जा रहे हैं, मारते चले जा रहे हैं। अचानक उग्र थे, स्कूल से बच्ची अपनी माँ के साथ आ रही होगी। और देखिए, दया मुझे काफ़ी आई क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है इस तरीके से, ये वीडियो मैंने जैसे ही देखी मैं डाउनलोड कर दी। देखिए, इस तरह की जो बहुत ज़्यादा परेशानी है, गाय हैं, बैले हैं या बिझार हैं, जो भी आवारा पशु कोई भी हो सकता है, घूमते हैं, तो इन पर कंट्रोल पाना ज़रूरी है क्योंकि ये आते जाते मोटरसाइकिल किसी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि खेती बाड़ी को भी लगातार नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमने भी कोई फसल नहीं बोई है, अब का सब खा ले, उड़ खा ले, धान खा ले, हमने फसल बोनी छोड़ दिए और कोई ने काम के लिए भी तरस रहे हैं, क्या काम करें, खेती भी छोड़ रहा है ये खेती भी खाते हैं, सड़क को नुकसान ही पहुँचाते हैं। तो कोई विरोध करता है तो कोई डर के मारे नहीं कर पाता है, क्योंकि गाय को आवारा घूमना तो उसी का जिसका नुकसान होता है वही जाने। कोई फसल नहीं, देखिए कितनी तरीके से पूरी तरह घायल कर रही है और छोड़ भी नहीं रही पीछे। अगर व्यक्ति देखिए घर में से झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी ये हिम्मत नहीं है, वो घर में से ही टद्दे इस गाय के मार रहा, कोई भी गाय को ही टद्दा नहीं मार रहा। देखिए एंड में देखेंगे तो कुछ व्यक्ति हिम्मत करके मोहल्ले के आए हैं, अब बन सके इनके हाथ में डंडा नहीं है तो फिर जो है उग्रों का इन्हें भी इन्होंने लपटा ली। दोबारा से आए बैक साइड से भी लोग हिम्मत बांध के आए, देखिए डले लेकर ईंट पत्थर लेकर आते हैं, फिर लपटाते हैं, तब ये बड़ी मुश्किल से भागते हैं। बच्ची बुरी तरह घायल खड़ी हो जाती है, तो ये बहुत बड़ी दुखद जो है समाचार है। मुझे आवारा पशु जो है मारते रहते हैं, कोई परेशानी से जंगल तो ख़त्म हो गए और जो दूध नहीं देती है तो किसान छोड़ देते हैं, किसान खुद खाए, किसान ही परेशान है, तो किसान अपनी रोजी रोटी कमाए ना गायों को जो है खिलाए, क्योंकि चारा तो ख़त्म हो चुका है, क्या करा जाए। ना ही इसमें हमारा दोष है, ना ही सरकार है, किसका दोष इसमें कहा जा सकता है, किसान का, सरकार का, किसका, क्योंकि इन्हें जो है इतनी जो है घास फूस ख़त्म हो गई है, मूल के खिलाफ तो 200 रुपये रखा जाती है। वैसे कंट्रोल पाना ज़रूरी है इन पर, बहुत ज़्यादा इनसे लोगों को परेशानी होती है, आवारा पशुओं से, खासकर गाय बैल बिझार या समझ जिस खेत में घुस जाते हैं, फसल की फसल उजाड़ देते हैं। देखिए वीडियो को पूरी देखें, अगर करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।